श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भक्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भक्त Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
गौर प्रेमानंद दे हरि हरि बोल। हो मैं ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांतो श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब गया से वापस आए। पहले महाप्रभु थे निमाई पंडित, लेकिन जब उन्होंने गया से वापस आ गए अभी वो निमाई पंडित नहीं, अभी प्रेमिक पंडित है। अभी वो पंडित नहीं रह गए, निमाई भावुक निमाई भावुक निमाई हो गए। इसलिए एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों को सामने शास्त्र का जो वास्तव अर्थ है कहते एक विद्वद्रूढ़ी और एक होता है अज्ञारूढ़ी। इसलिए एक शब्द का दो अर्थ होता है, एक होता है एक साधारण अर्थ और एक होता है विशेष अर्थ। इसलिए जो साधारण अर्थ है वो इसी साधारण जगत को ही लक्ष्य करता है, लेकिन शास्त्र का जो वास्तव अर्थ है वो केवल भगवान को ही लक्ष्य करता है। इसलिए महाप्रभु अभीष्ट होकर के केवल उन्होंने कृष्ण परक है केवल कृष्ण परक हर चीज को वो कृष्ण परक व्याख्या कर रहे थे। इसलिए गतकल हम लोगों ने श्रवण किया था प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम सर्वशास्त्रे कृष्ण भई ना बोलाया। महाप्रभु कह रहे हैं अगर जगत में हर समय कोई अगर सत्य है केवल भगवान का नाम ही जगत में सत्य है और जगत में कोई चीज सत्य है नहीं। इसलिए राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है और सर्वशास्त्रे कहे कृष्ण ना बोले आन। सारे शास्त्र को अगर हम सही सही विचार करेंगे तो शास्त्र केवल एक ही बात कहता है आद्या बंते च मध्य त हरि सर्वत्र ज्ञायते। आदि बीज और अंत में केवल भगवान का ही भक्ति और उनका नाम को ही व्याख्या करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत को भी देखो जब भागवत सुखदेव गोस्वामी शुरुआत करते हैं
भगवान का नाम से ही उनने शुरुआत की। बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकूत भयम् जोगिनाम नृप निर्नित हरि नामानुकीर्तनम्। इसलिए बोले जो संपूर्ण रूप में संसार से निवृत्त हो चुके हैं, जो जीवन में अभय बनना चाहते हैं, हैं, इसलिए जितने वेद पुराण सबके सब सारे शास्त्र वो एक ही बात बताए, हरि नामानो कीर्तनम, हरि का नाम कीर्तन ही जीवन का लक्ष्य है। और जब भागवत जब समाप्त तो होता है उसी समय में भी कहते हैं नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम। कहते केवल भगवत नाम से ही जीवन का सारे दुख कष्ट तभी दूर होगा, नहीं तो जीवन में दूर नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु कहते कृष्ण को छोड़कर के शास्त्र में और कुछ भी नहीं बोलता है। इसलिए हरता करता पालयिता कृष्ण से ईश्वर अजभव आदि सब कृष्णे रे किंकर। कर जगत का हरता करता पलायिता कौन है? केवल भगवान कृष्ण ही है। इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को कहने बोले माँ बोले मत भयात बाति त्वयम् सूर्य स्तपति मत भयात दहति अग्नि बरसति इंद्र मृत्यु स्मरति मत भयात। बोले माँ ये विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है सबके सब मेरे डर से काम कर रहे हैं, मत भयात बाति त्वयम् मेरे भय से ही जो हवा बहती है वो मेरे भय से बह रही है, अग्नि में जो दाहिका शक्ति मेरे डर से ही अग्नि प्रज्वलित तो होता है, इंद्र जो बारिश बरसाता है मेरे आज्ञा पर बारिश बरसाता है, हैं? इसलिए ये विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ जीव को जो काल जीव को ग्रहण करता है कहते तो मेरे आज्ञा से ही सब कुछ दुनिया में होता है। इसलिए हम कहते हैं ना ठाकुर की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सचमुच से भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी जगत में नहीं हिलता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं भाई कह रहे हैं देखो हरता करता पालयिता कृष्ण से ईश्वर। इसलिए जगत को पालन करने वाले कौन है? कहते पालन करने वाले कृष्ण ही है। और जगत का ईश्वर कौन है? बोले भगवान ही जगत का ईश्वर है। कहते अज भव आदि सब कृष्ण रे किंकर। कहते ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र नारद ये सबके सब कौन है? बोले सबके सब भगवान कृष्ण की ये सबके सब किंकर है, सबके सब दास है। इसलिए जब ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतहि तिब्बति स्तुनहि वेदहि क्रम सांग क्रमप विशदि गायति जात सामगा ध्याना बस्तेन तदगतेन मनसा पसंत जात योगिनम। इसलिए ये श्लोक में कह रहे हैं ये जगत में जितने ब्रह्मा शंकर नारद जितने सब के सब देवता क्या करते हैं? भगवान का चरण को चिंतन करते हैं, हैं? चिंतन करते हैं। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देकर कहते हैं बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण कौन? बोले ईश्वर है। ईश्वर मतलब क्या है? अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सक्यते सैव ईश्वर, जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, दिन को जो रात, रात को जो दिन कर सकते हैं। इसलिए महाभारत में आता है ना जिस समय में कुरु पांडव में युद्ध हुआ और अभिमन्यु को जब सप्तरथियों ने मिल करके मार डाले, अर्जुन जब नारायण सैनी को मार करके आए सुना उनका बेटा अभिमन्यु मारा गया, बोले कारण क्या था? बोले दरवाजा में जयद्रथ खड़ा हुआ था और भीम को किसी तरह से घुसने नहीं दिया, बोले जयद्रथ है मेन कारण। बोले हाँ। बोले कल सवेरे मैं सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाऊंगा तो सशरीर में मैं अग्नि में अपना शरीर को आहुति दे दूंगा। जब ये प्रतिज्ञा की ये बात जब द्रोणाचार्य को पता चला उसने ऐसे चक्र व्यूह रचना किया, देख लूंगा कैसे अर्जुन
हैं जयद्रथ को मारता है, ऐसे उन्होंने चक्रव्यूह बनाए। अर्जुन ऐसे युद्ध कर रहा था, सामने कोई भी नहीं टिक पा रहे थे, युद्ध करते 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 अब शाम तक हो गया ना। कृष्ण देखा अभी जयद्रथ इतना दूर में है, ये सारा दिन युद्ध करते करते भी पहुंच नहीं सकता। क्यों? द्रोणाचार्य ने ऐसे चक्रव्यूह की रचना किया, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। इतने में कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने सुदर्शन चक्र को भेज दिया, बोले जाओ सूर्य को ढक दो। बस दिन में उन्होंने रात कर दिया। सबके सब देखा, अरे ये रात कैसे हो गया। और रात देखते ही जितने सबके सब कुरु वंश के थे, सबके सब खुश हो गए। क्यों? इनके पक्ष में अर्जुन ही ऐसे एक व्यक्ति था, हैं, इतना धुरंधर, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ में युद्ध करने वाले अर्जुन के बगैर कोई नहीं। पितामह भीष्म के साथ में, कर्ण को साथ में, इनको सामने कोई भी अर्जुन के बगैर कोई टिक नहीं सकते। ये ऐसे जुदा था अर्जुन गांडीवधारी। बोले अगर अर्जुन मर गया ना, ये सब हम फू देकर इनको उड़ा देंगे पांडवों को। बड़े प्रसन्न हो गए और आकर के सबके सब ठा ठा लगा कर घास रहे थे। क्यों? अभी अर्जुन ही सशरीर में अग्नि में शरीर को है? शरीर को उसने विसर्जन देगा। सामने सबके सब हंस रहे थे। इतने में अर्जुन अभी अग्नि प्रज्वलित करके है अपना सारे वस्त्र को उतार करके जाना चाह रहे थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन सारे वस्त्र क्यों उतार रहे हो, अरे मरोगे तो अस्त्र शस्त्र को लेकर के मरो ना, शरीर का वस्त्र क्यों उतार रहे हो, उतारने का जरूरत नहीं। लेकिन अर्जुन को तो पता नहीं था क्या होने वाले। अर्जुन जिस समय अग्नि को चारी तरफ में परिक्रमा लगा रहा था अपना शरीर को उसमें आहुत देने के लिए, इतने में सामने जयद्रथ था, सब ठा लगा कर हा हा करके हंस रहे थे। इतने में कृष्ण सुदर्शन चक्र को हटा दिया। देखा रात हो गया था, देखा दिन। बोले अर्जुन देख रहे हो क्या, उठाओ शस्त्र सामने, सामने शस्त्र उठाओ, धनुष मारो उसको। बोले देखो उसको जो मारना है ना, उसको वरदान है, अगर तभी मरेगा जब उसका सर को पिताजी उसका हाथ में गिरेगा, जब वो सर को वो विसर्जन दे देगा, फेंक देगा, तभी मरेगा, नहीं तो मरेगा नहीं। ठीक शाम हो गया, उसको पिताजी अग्नि में हाँ जल में पानी दे रहा था, तर्पण कर रहा था। इतने में अर्जुन ने मारा बाण और उसका सर को लेकर पिताजी की हाथ में जब गिरा, उसको पिताजी तो पानी में तर्पण कर रहा था और गिरा तो उसने फेंक दिया। क्या देखा, उसको बेटा का सर बस जल कर राख हो गया। इसलिए कहते कृष्ण कौन है, बोले ये ईश्वर है। ईश्वर मतलब जो रात को भी जो दिन कर सकते हैं और दिन को जो रात कर सकते हैं, और मरे हुए व्यक्ति को जो जिंदा कर सकते हैं और जिंदा हुआ व्यक्ति को जो मार सकते हैं, हैं? इसलिए केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जिसको तिसको भगवान, ये भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान। इसलिए कृष्ण ने तीन तीन बार उन्होंने मरे हुए बच्चों को उन्होंने बचाया। कितना बार बचाया, कहाँ कहाँ? एक बार तो उन्होंने बचाए जिस समय अपना गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, गुरु गृह में जब उनको पढ़ाई खत्म हो गई, इतने में शांतिपनी ऋषि ने उनको पत्नी को बोले देख ये कृष्ण बलराम साधारण कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये 64 दिन में 64 विद्या को एक देश कोई सीए करते हैं, कोई इंजीनियर डॉक्टर भी करते हैं ना, जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते एक सब्जेक्ट को खत्म नहीं कर पाते। लेकिन कृष्ण बलराम ने क्या किया, 64 दिन में 64 कला, जगत में जितने 8 से 64 तरह का, 64 दिन में उन्होंने 64 कला को उन्होंने परिपूर्ण कर दिया। गुरुजी जब एक सूत्र देते थे दूसरे दिन, कृष्ण सूत्र भित्र टीका को साथ में बोलते थे, बोले गुरुजी बोलते थे भैया मेरे को भी पता नहीं है जो बोलता है, हैं मेरे को भी पता नहीं, बोले ये साधारण बालक नहीं हो सकता, लगता है कृष्ण बलराम भगवान। बोले देखो इनको परीक्षा करेंगे। बोले कैसे, कहते अगर भगवान होएंगे ना, ऐसे एक चीज जो मांगेंगे जो साधारण व्यक्ति दे ही नहीं सकता है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को जिंदगी में कभी जिंदा कहीं कर ही नहीं सकते हैं, हैं? अभी तक जगत में कोई जन्म नहीं हुई, केवल ये भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए हमारा बच्चा बचपन में मर गया, जब वो गुरु दक्षिणा मांगेगा ना देगा ना, हम बोलेंगे अपना बेटे को ही दो, अपना बेटे को ही दो। और उनने गुरु दक्षिणा रूप में मरा हुआ बेटे को मांगे, तो बेटे को मांगे कृष्ण स्वयं जब महाराज के पास में गए,
जा करके जब शंख बजाए ना, शंख बजाते ही स्वयं काल है थर 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 कांपते कांपते आए। बोले लगता है मेरा ही नंबर आ गया, बारी आ गया। बोले क्यों? बोले उन्होंने ऐसे ये अवतार है, ब्रह्मा का घमंड को भी दूर किया, इंद्र का अभिमान को भी दूर किया, लगता है नंबर मेरा ही आ गया है। इसलिए कांपते 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 काल स्वयं जम आए, प्रभु के चरण में प्रणाम किया। बोले प्रभु क्या सेवा? बोले मेरे गुरु जी की है मृत पुत्र को, मरे हुए बच्चे को वापस लाओ। और उन्होंने मरे हुए बच्चे को वापस लाए, कृष्ण को दिया। कृष्ण उन्होंने शांति बनी ऋषि को दिया। बोले बेटा तुमने जो गुरु दक्षिणा दिया है ना, जीवन में ऐसे गुरु दक्षिणा कोई दे ही नहीं सकते। एक बार, दूसरा बार जब मैया देवकी को पता चला मेरा बेटा ने मरे हुए बच्चे को काल है जम लोक से वापस ला करके दिया दक्षिणा रूप में। बोले कृष्ण मैंने सुना तू क्या मरे हुए बेटे को वापस लाए हो, मेरा बेटा भी छह छह बच्चों को कंस ने मार डाला। मन में बड़ी तमन्ना हो रही है अपना मरे हुए बेटे को देखने के लिए। बेटा मेरे को थोड़ा ला दोगे? बोले मैया चिंता क्यों करती हो, अभी अभी ला देता हूँ। कृष्ण ने क्या किया, छह छह बच्चों को है, छह छह बच्चे को जो मर गए थे उन्होंने वापस ले आए। हाँ, उनको वापस ले आए। अब वापस ले आए जब मैया के स्तन को पान किया ना, कृष्ण उसमें पान किए थे, उसमें कृष्ण का अधरामृत माँ के स्तन में लगी हुई थी। जब छह लोगों ने, ये छह मरीज थे है, जब उन्होंने दूध को पान किया, कृष्ण का अधरामृत लगा हुआ स्तन में, जब उन्होंने पान किया ना, छह को छह को मुक्ति हो गई। इसलिए दूसरा बार लाए। बोले तीसरा बार लाए जो द्वारका में ब्राह्मण का पुत्र, जब एक एक पुत्र जब मर जाते थे है, ब्राह्मण ला करके भगवान को सामने बोल देते प्रभु कहते राजा का पाप से प्रजाओं को दुख कष्ट मिलता है, आपकी पाप से आप साक्षात रहते हुए मेरे बच्चे मरते ही कैसे। और वहीं पर अर्जुन था। बोले कोई चिंता मत करो, अगली बार तेरे बच्चों को मैंने बचाऊंगा। बोले तू क्या बचाऊंगा बिगड़े? जहाँ कृष्ण बलराम स्वयं बैठे हुए है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्व्यूह यहाँ बैठे हुए, ये भगवान नहीं बचा सकते, तू क्या कर लो? बोले मैं कृष्ण नहीं, मैं बलराम नहीं, मैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं, मैं गांडीवधारी अर्जुन। अगर तुम्हारे बच्चे को नहीं ला पाएंगे ना, इस शरीर को हम त्याग दे देंगे। केवल जिस समय जन्म होने वाले केवल मेरे को याद करा देना। बोले ठीक है। वाह, जब जन्म होने का प्रसव पीड़ा हुई ना, भागते भागते आए। बोले जल्दी जल्दी आओ। अर्जुन गया, जा करके प्रसूति गृह को ऐसे उन्होंने बाण से ऐसे उन्होंने बांध दिया, अंदर में हवा भी जाने का है प्रवेश करने का ताकत नहीं, और धनुष बाण लेकर दरवाजे में खड़े हो गए, देखता हूँ कौन लेता है। हर बार तो प्राण जाता था, शरीर रहता था, इस बार केवल जन्म होते ही शरीर समेत गायब, पूरा के शरीर समेत गायब। इतने में अर्जुन को ऐसे गाली दिया ब्राह्मण, हिजड़े तेरे को मैं बोल रहा था, सुख्यात कृष्ण जहाँ पर, बलदेव प्रभु जहाँ पर, प्रद्युम्न अनिरुद्ध जहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, अब तुम रक्षा करोगे, हिजड़े तो है। इतने गाली दिया अर्जुन को। इतने में अर्जुन योग समाधि को तरह बैठे बैठी करके सारा दुनिया को भूर भुव मोह जन तप सत्य अतल बीतल तलातल महातल पाताल सब लोग तन तन करके उन्होंने देखा, कहाँ बच्चे? लेकिन बच्चे तो इसमें ब्रह्मांड में ही नहीं है, वो तो ब्रह्मांड में नहीं, नारायण लेकर चले गए, वो तो वैकुंठ में। इतने में अर्जुन जब रक्षा नहीं कर पाए, जब आहुति देने जा रहा था अग्नि में, कृष्ण कहा अर्जुन आओ मेरे साथ में। तो उन्होंने उनको साथ में लेकर के भगवान नारायण के पास में गई। जाने पर भगवान कहते बोले प्रभु केवल आपका ये रूप का दर्शन करने के लिए, आप इतने सुंदर हो, आपको देखने के लिए केवल मैंने ये बच्चों को अपहरण किया है, आपका सारे बच्चों का ब्राह्मण का लेकर गया। भगवान वहां से मरे हुए जितने ब्राह्मण का बच्चों को लेकर गया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते कृष्ण हरता करता पालयिता, कृष्ण से ईश्वर महाप्रभु व्याख्या कर रहे हैं। कृष्ण कौन है? जगत का हरता करता पालन करने वाले कौन है? बोले कृष्ण है, जो सारे सर्व कारण का जो कारण है कृष्ण है, जो सचिदा नंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम्। इसलिए कृष्ण कौन है? सारे ताप को दूर करने वाले, जगत का सृष्टि स्थिति पालन करने वाले,
इसलिए यहाँ पर कीर्तन में कहते हैं बोले तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छाए विश्व श्री जन संहार तब इच्छा माते ब्रह्मा करे ना सृजन तब इच्छा माते विष्णु करे ना पालन तब इच्छा माते शिव करे ना संहार तब इच्छा माते माया कारागार तब इच्छा माते जीवे जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संदन। इसलिए कहते इसी को ऊपर में भक्तिविनोद ठाकुर ने ये कीर्तन को उन्होंने केवल इसी श्लोक को ऊपर उन्होंने दिखाए बोले कृष्ण कौन है बोले जिनकी इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं शंकर जी संहार करते हैं विष्णु पालन करते हैं माया ये कारागार बना करके जीवों को है कर्म का अनुरूप फल प्रदान करता है दुख कष्ट देती है। इसलिए तुम्हारी इच्छा में जगत में सृष्टि प्रलय संहार सब तुम्हारी इच्छा से होता है, है? तुम्हारी इच्छा के बगैर जगत में कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए कहते अज भव आदि सब कृष्ण किंकर बोले कृष्ण चरण छरी ज्यार व्याख्या ने वृथा जन्म जायतार असत्य वचने। यहाँ पर कह रहे हैं जो व्यक्ति कृष्ण की चरण को छोड़ करके और किसी चीज को व्याख्या करते हैं है? व्याख्या करते हैं कहते वृथा जन्म जायतार असत्य वचने कहते उसका वचन केवल झूठा वचन है उसका जो वचन है केवल उसकी वचन झूठा बचन और जीवन उसकी बेकार उसको जीवन जाता है इसका जीवन का कोई महत्व नहीं। इसलिए हम सुन रहे थे ना दो तरह का रूढ़ी है विद्वत रूढ़ी और अज्ञान रूढ़ी। इसलिए जीव हर वस्तु को अगर हम व्याख्या करेंगे तो अंतिम लास्ट में जाकर केवल कृष्ण को ही लक्ष्य करेगा है केवल कृष्ण को ही लक्ष्य करेगा और किसी को लक्ष्य इसलिए उसका नाम अक्षर कहते ना अक्षर अक्षर मतलब क्या होता है आप मतलब होता है नहीं खैर मतलब विनाश इसलिए उसको अक्षर कहते हैं। विद्या हम कहते हैं ना विद्या पढ़ते हैं विद्या मतलब क्या बीत जानना बोले किसको जानना बोले भगवान को जानना। इसलिए उड़िया सब उड़िया है ना अब देखना हमारे उड़ीसा देश में जब पढ़ाई होता है जब पढ़ाई होता है जब सबसे पहले जब खड़ी जब पेंसिल पकड़ते हैं क्या लिखते हैं पता है ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे देश में स्लेट में लिखते हैं ना सबसे पहले जब स्लेट स्लेट होता था जब हम स्कूल में गए सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा विष्णु फिर उन्होंने महेश तीन गोल गोल है तीन गोल यहीं से खड़ी पकड़ते हैं पेंसिल पकड़ कर यहीं से पढ़ाई शुरू करते हैं है? इसलिए हमारे भारत में इसलिए इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को छोड़ करके और किसी चीज को व्याख्या करते हैं उसका जीवन बर्बाद है उसका जीवन बर्बाद है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने देखा जब कोई व्यक्ति भक्ति के लिए आएगा भजन करने के लिए आएगा हैं अभी सारे ग्रंथ संस्कृत में अभी संस्कृत को समझेगा कैसे। इसलिए उन्होंने बोले अगर किसी वैष्णव का इच्छा होएगा हम थोड़ी संस्कृत पढ़े फिर अगर कोई संस्कृत पढ़ेगा जैसे अयोन रिलिक अयो जो हय भरट कहते ये पाणिनि व्याकरण का ये 42 सूत्र है हैं ये 14 सूत्र है ये 14 सूत्र है ये पाणिनि व्याकरण का अयो अयोन रिलिक हय भरट खचट तब ऐसे उनको करके उनका ये है कहते वैष्णव लोग तो ये सब चीज को पढ़ेंगे नहीं। अगर वैष्णव अगर कभी संस्कृत पढ़ने का इच्छा होगा मैं ऐसे व्याकरण कहते अभी जो महापुरुष व्याख्या कर रहे हैं ना इसी को ही आधार करके इसे जीव गोस्वामी बनाए। इसलिए ऐसे संस्कृत उन्होंने व्याकरण बनाए बस व्याकरण पढ़ते जाओ जितना उसमें सूत्र को रटोगे हैं जितने सूत्र को रटोगे ना सारे सूत्र में भगवान का नाम दिया गया सर्वेश्वर विष्णु जन हरि खड़गा हरि वैणव हैं हरि गोपाला सब ऐसे ऐसे नाम जितना सूत्र पढ़ोगे सब भगवान का नाम। अब प्रत्येक अक्षर को उन्होंने भगवान का चरण में अर्पण किया है
है अर्पण के अद्भुत व्याकरण ही अद्भुत व्याकरण बनाया। इसलिए अगर कभी पुरी में अगर ऐसे कोई व्याकरण पढ़ाने वाला कोई हो, व्याकरण कोई पढ़ाने वाला हो ना, उसको अगर बुला करके मंदिर में बच्चे लोग अगर कभी पढ़ो, थोड़ा संधि ज्ञान उसमें, थोड़ा शब्द ज्ञान थोड़ा है ये हो जाएगा। जैसे जैसे ये संधि है ना, जैसे हम लोग संधि पढ़ते हैं, हैं संधि पढ़ते हैं, इसलिए संधि संधि किसको कहते हैं, दो चीजों मिलता है। जीव गोस्वामी उन्होंने केवल संधि मतलब क्या, संधि से पहले श्लोक रचना कहते एक और दूसरा हमारे, ये मन को क्या करो, भगवान की चरण में जब ये मन जब ये भगवान की चरण में लग गया काम ही बने धातु, हम कहते धातु रूप है भवती भवत भवती धातु, बोले शरीर में धातु है तब तो शरीर चल रहा है, धातु धातु निकल धातु रूप में कौन बैठे हैं, कृष्ण ही बैठे हृदय में धातु, जब वो चले जाते हैं वह शरीर जहाँ के तहाँ पड़ी रह जाती है। इसलिए उन्होंने ये व्याकरण को उन्होंने बनाए, इसलिए यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं भैया कृष्ण भक्ति को है और कोई चीज को व्याख्यान नहीं करनी चाहिए, बोलो तो कृष्ण नाम, सुनो तो कृष्ण नाम है सब कुछ। एक बड़े सुंदर भी भजन, गाओ तो राधे राधे, जाओ तो राधे राधे, बोल जय श्री राधे, बोल जय, इसमें बड़े ब्रज में एक बड़ा सुंदर भजन है, हाँ चलते राम रस लो कृष्ण रस लेते, नमक नहीं बोलते वहाँ, हाँ इसमें मीठा देने से श्याम रस है, नमक और राम रस मीठा में श्याम रस है। इसलिए यहाँ पर कहते जीवन है बोले जीवन सबो भगवतांग रेणु न जातु मर्त अभिलवत जस्तु श्री विष्णु पद्या मनुज तुलस्या ससंत सब जस्तु नवेद गंधम। इसलिए भागवत में सुधो गोस्वामी कहते हैं वो व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी मृत है, मरा हुआ है, वो जिंदा रहते हुए भी वो मरा है, बोले कौन है, जीवन सबो बोले जीवित अवस्था में भी वो मरा हुआ व्यक्ति, बोले कौन, बोले जो व्यक्ति भगवान के चरण में जो तुलसी चंदन की अगर कोई खुशबू को ग्रहण नहीं करे ना, बोले जीवन सबो है, जीवन सबो भगवता रेणो न जात मर्त अभिलवत दस्तु श्री विष्णु पद्या चरण तुलस्या जीवन सब जस्तो नवेद गंधम। इसलिए मरते हुए भी जीवित होते रहते हुए भी मरा है और श्वास प्रश्वास लेते हुए भी वो व्यक्ति मरा है, बोले कौन है, बोले जो जीवन पा करके भगवान की चरण तुलसी के आग्रहण नहीं लेते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो जीवित रहते हुए वो व्यक्ति मरा ही है वो व्यक्ति। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं बोले हे न कृष्ण नामे जार नाही रति मति पढ़ी आओ सर्वशास्त्र धार ध्रुगति। अगर जीवन में हमने सारे शास्त्र को पढ़ लिया है, सारे शास्त्र को हमने पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया पढ़ करके, लेकिन कृष्ण नाम में उसका रुचि नहीं है, कृष्ण नाम में उसका रति मति नहीं, कहते भैया तुम पढ़ करके भी सब बेकार है, गर्दवर मत जना शास्त्र वही मरे, जैसे गधा अपना पीठ में दाल चावल नमक को ढोताता है लेकिन उसका मालिक कभी एक पराठा नहीं बनाता है खिलाता है, कभी उसको कभी कोई शरबत बनाकर नहीं पिलाता है, बस वही घास खाता है, वही घास खाता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कहते दरिद्र अधम यदि लय कृष्ण नाम, भले दरिद्र हो अधम हो लेकिन अगर वो कृष्ण नाम लेता है, है दरिद्र अधम यदि लय कृष्ण नाम सर्व पाप था किया हो जाए विष्णु धाम है, कहते सब दोष रहते हुए भी वो भगवत धाम को गमन करता है, लेकिन यहाँ तो संदेह जा रहे सही दुख भाई। इसलिए महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं अगर इसी विषय पर किसका संदेह है, क्या संदेह है, क्या संदेह है, अगर भगवान के नाम लेने से ही जीव का सब कुछ करना हो जाता है, सब कुछ जीवन में करना होता है, अगर किसको उसका संदेह है ना, कहते जीवन में उसको दुख दुख ही मिलता है। इसलिए कृष्ण रे भजन छाड़ी जे शास्त्र बाका ने से अधम कपु शास्त्र मर्म नहीं जाने। महाप्रभु कह रहे हैं जो व्यक्ति कृष्ण का चरण को छोड़ करके और किसी चीज को व्याख्यान करते हैं, कहते वो अधम शास्त्र मर्म नहीं जाने,
वो कभी शास्त्र का अर्थ को कभी नहीं जानता है, वो व्यक्ति कभी शास्त्र का अर्थ नहीं जानता है। इसलिए कहते हैं ना, कृष्ण नाम जर ना ही रति मति। ऐसे अगर कृष्ण नाम में रति मति नहीं है, कहते उसकी सबसे बड़ा दुर्गति, सबसे उसकी बड़ी दुर्गति है। इसलिए जरा भक्ति पर व्याख्या न करे, अन्याय विलासिता ज्ञान जोग अभक्ति का उपाय धर्म अर्थ काम मुख्य शास्त्र तात्पर्य व्याख्यातार प्रकृति तात्पर्य जाने ना। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, जो व्यक्ति ज्ञान परक, कर्म परक, जोग परक है, धर्म अर्थ काम है, शास्त्र को पढ़ करके ये दुनियादारी पर व्याख्या करते हैं, कहते वो व्यक्ति वास्तव रूप में शास्त्र का तात्पर्य जो वो नहीं जानता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद सब टीका में देते हैं, बोले आचार्य जवान पुरुष, क्या आचार्य जवान मतलब क्या होता है, आचार्य जवान पुरुष वेद मतलब क्या होता है, क्या क्या इसका मतलब क्या है, हाँ इसका मतलब क्या, कौन बोलेगा तात्पर्य को नहीं जान सकता है। वही व्यक्ति ही केवल शास्त्र का तात्पर्य को जान सकते हैं, हैं? जान सकते कौन जान सकते हैं, कहते छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य ना कौन सा, इसलिए ये उपनिषद ने बताए केवल आचार्य यदि लब्ध दीक्षा व्यक्ति ही शास्त्र का तात्पर्य को जान सकते हैं। हाँ, इसलिए कृष्णदास कबीराज क्या कहते हैं, जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्त र तुम्हें नित्य कर संग, तबे तो बुझीवे तुम्हें सिद्धांत तरंग। इसलिए शास्त्र का तात्पर्य अगर कोई समझना चाहते क्या करनी चाहिए, वैष्णव के पास में जाओ, केवल वैष्णव के पास में कथा सुनो, हैं? दूसरों के पास में नहीं। नहीं तो अवैष्णव मुखद गिरनम पुतम हरि कथा अमृतम श्रवण एव नैव कर्तव्य सर्पोचिष्ट जथापयो। देखने के लिए लगेगा हरि कथा कर रहे हैं, भगवान का नाम है, भगवान का नाम कीर्तन कथा कह रहे हैं। अगर वो आचार्य से शुद्ध वैष्णव से दीक्षा मंत्र अगर नहीं लिया, ग्रहण नहीं किया, शुद्ध परंपरा में अगर नहीं है, वो देखने के लिए लगेगा जैसे कृष्ण कथा, जैसे सर्प, जैसे दूध, देखने पर दूध लगता है, लेकिन वो दूध में जब सांप मुंह लगा देता है फिर वो दूध दूध नहीं, वो दूध जहर हो जाता है। तो उसी तरह देखने के लिए लगेगा जैसे कृष्ण कथा बोल रहे हैं, वो कथा नहीं, क्या है, वो जहर है। वो कथा सुनोगे तो क्या, आपको जहर जहर है। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, भैया ये जो कान रूपी जो दोना है ना, तो कोई दोना जैसे, वो कहते हैं सबको ये कान रूपी दोना नहीं देनी चाहिए, मना कर देते हैं। पर जिनको संबंध ज्ञान पता नहीं, अगर वहां से अगर कथा सुनने लग जाएंगे ना, जिसको संबंध ज्ञान पता नहीं है, फिर क्या होगा, फिर भक्ति नहीं, फिर भक्ति छोड़ करके और दूसरे रास्ता में, फिर हम दूसरे रास्ता में चले जाएंगे। इसलिए देखो गीता एक ही है, गुरुदेव इस चीज को समझाया करते थे, हमें वैष्णव से क्यों कथा सुननी चाहिए, गुरुदेव बहुत अच्छे तरह से बताते, बोले एक वैष्णव से कथा क्यों सुननी चाहिए और किससे कथा क्यों नहीं सुननी चाहिए, क्या कारण है। गुरुदेव उदाहरण देकर समझाया करते थे, शास्त्र में केवल शब्द है, शास्त्र में केवल अक्षर है, शास्त्र में केवल अक्षर है, लेकिन उसका शब्द है ही नहीं, उसका शब्द नहीं केवल अक्षर है। तो गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे हमने राधा रमन को बोला तुम कहाँ गया था, इसका मतलब है हमें पता नहीं तुम कहाँ गया था, लेकिन यही शब्द को तुम कहाँ गया था, कल टोन बदल गया, उसका अर्थ अलग हो गया, तुम जहां गया था ना सही जगह पर नहीं गया था। फिर अगर राधा रमन तो कहाँ गया था, कहाँ गया था, इसका मतलब तुम जहां गया था ना मेरे को पता है, शब्द एक ही है शब्द, लेकिन जब उसका टोन बदल जाती है ना पूरा इसकी अलग अर्थ हो जाता है। हाँ, गुरुदेव इसका उदाहरण देकर कहते थे शास्त्र में केवल अक्षर है, शब्द है ही नहीं। इसलिए एक ही गीता है, एक भागवत है, कितना टीका भारत में,
कितने टीका, कर्मी ज्ञानी जोगी भोगी सबके सब सब टीका किए। बोले भैया एक ही तो शब्द तो एक ही है, पर इतने टीका कैसे हो गया, इतने टीका कैसे हो गया? इसलिए कहते भैया जो शास्त्र है ना ये कल्प वृक्ष है, जैसे जिसकी भावना रही जैसी हरी मूरत देखितनी तैसी, जैसे कृष्ण रंगशाला में प्रवेश कर रहे थे ना, जिसकी अंदर में जैसे जैसे भावना थी कृष्ण एक थे, लेकिन जिसकी अंदर में जैसे भावना उसी भाव का अनुरूप कृष्ण को दर्शन कर रहे थे। माताएं क्या देख रही थी, इसका तो दूध दांती है टूटा नहीं, इतना छोटा बालक और इतने बड़े बड़े पहलवानों के साथ में लड़ेगा कैसे, ये अन्याय हो रहा है। लेकिन जोगी लोग क्या देख रहे थे, हैं यही शास्त्र का हाँ, शास्त्र का ही सिद्धांत स्वरूप है। ज्ञानी क्या देख रहे थे, ये ब्रह्म है, हैं भक्त क्या देख रहे थे, भगवान रूप में, स्त्रियां देख रहे थे कामदेव रूप में, पिता माता देख रहे थे बच्चे रूप में, कृष्ण तो एक ही है, अलग अलग क्यों दिख रहे थे? कहते उसी तरह यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कह रहे इसलिए इसलिए शास्त्र का जो तात्पर्य केवल कृष्ण भक्ति वैष्णव से क्यों सुननी चाहिए, कारण क्या है, प्रश्न है वैष्णव से क्यों सुननी चाहिए? बोले कारण यही है, बोले साधव हृदय मिहम साधुनाम हृदय तु हम मद अन्नते ना जानते ना हम ते भम मना कभी। कहते साधु का हृदय में भगवान और भगवान का हृदय में साधु है, है? इसलिए बस कुर्बंती माम भक्तिया सतपत्नी सतपतिम जथा, जैसे कि पति व्रता नारी पति की सेवा करते 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 पत्नी को बसीभूत कर लेते हैं, ऐसे ही भक्त मेरे को भजन करते 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 मेरे को एकदम बसीभूत कर देते हैं, हृदय में मेरे को बांध लेते हैं। अगर हृदय में बांध लेते हैं, अगर भक्तों का हृदय में भगवान, भगवान का हृदय में भक्त, अभी भगवान ने क्या बताया, भगवान ने क्या बताया तो इनका हृदय की बात को जानते, हृदय की बात भक्त भगवान के हृदय में बैठे हैं, भक्त भगवान के हृदय में बैठे, बैठने के नाते भगवान के हृदय में क्या है एक केवल एक भक्त ही जान सकते हैं, और कोई भगवान के हृदय की बात कोई नहीं जान सकते। इसलिए महाप्रभु कहते जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, इसलिए तब तब बुझे तुम्हें सिद्धांत तरंग है। इसलिए वैष्णव का मुझे देखो जो अपिचेत शुद्राचार भजत मां अनन्य भाव साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित, ये ऐसे श्लोक है, ये ऐसे श्लोक वाले स्वर्ग में, स्वर्ग में देवताओं में मीटिंग बैठा हुआ था, स्वर्ग में देवता लोग की मीटिंग बैठी हुई थी इसी श्लोक को लेकर के, जहाँ पर इंद्र चंद्र ब्रह्मा शंकर ब्रह्मा नारद सबके सब बैठे हुए थे, और ये मीटिंग में ये श्लोक विवेचना हो रही थी इस श्लोक है। इसलिए फिर उसको दूसरे श्लोक में कहते किप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्ता परमेश्वरति, फिर दूसरे लाइन में ये बात बताए। अभी ये क्यों ये सब बात को बताए वो विवेचना हो रहा था, लेकिन सही से इसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहे थे, इसका सही से उत्तर कोई नहीं दे पा रहे थे। फिर सोचे भैया ये इसका बात कौन बता सकता है, बोले शुद्ध अगर कोई कृष्ण भक्त हो ना है महाप्रभु का कोई भक्त हो वही दे सकते हैं। बोले इस समय कौन, बोले मरते जगत में एक बहुत बड़े एक महापुरुष जन्म हुए श्री भक्ति विनोद ठाकुर, ये कमल मंजरी राधा रानी की, ये कमल मंजरी महाप्रभु का गौर शक्ति स्वरूप आय महाप्रभु का ये शक्ति है, इसलिए उनको अगर लाया जाए ना वही बता सकते हैं। कहते भक्ति विनोद ठाकुर को स्वप्न संवाद में जो सोए हुए थे ना उनको उड़ा करके ले गए, कहाँ पर ले गए, स्वर्ग में ले गए उड़ा करके, और देखा सारे वहां पर सब देवता लोग बैठे हुए मीटिंग हो रहे हैं, जब उन्होंने प्रश्न किया इसका उत्तर दो तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको उत्तर दिया, भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको उत्तर दिया है। बड़ा सुंदर उन्होंने मीमांसा उस लोगों को बड़े सुंदर मीमांसा किया। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भैया शास्त्र का जो असली तात्पर्य है केवल भगवान की भक्ति, इसलिए भक्ति छोड़ करके अगर कोई इधर उधर कोई शास्त्र का व्याख्या करते हैं, यहाँ पर महाप्रभु से अधम कब शास्त्र मर्म नहीं जाने, क्या तो अधम है वो कभी भी शास्त्र का मर्म को वो नहीं जानता है, इसलिए बोले आचार्यवान पुरुष वेद, इसलिए जो शुद्ध वैष्णव परंपरा में आए हैं आचार्य जैसे लब्ध दीक्षा व्यक्ति ही
केवल ये शास्त्र का तात्पर्य को समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे श्लोक कहते बोले अथापि ते देव पदाम भुज द्वय उसके बाद में जोर बोलो जोर से इसलिए ये ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान को बोले हे प्रभु आपको कौन समझ सकता है, है? कौन समझ सकता है बोले सही जाने जरे देहो जनान उनको वही समझ सकते हैं भगवान कृपा करके जिसको जनाते हैं। लेकिन चिरकाल चिंतन करने पर भी कोई सोचे नहीं हम बैठ करके अपने आप भगवान को हैं बैठ करके अपने आप भगवान को हम समझ लेंगे बोले भैया चिरकाल बैठ करके भी कुछ मिलने वाले नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते थे बुद्ध हमारे जे जो जो गौतम बुद्ध हुए ना हैं जो गौतम बुद्ध हुए जब उनने सब कुछ छोड़ करके जब उनने भजन करने के लिए गए हैं तब इसने जब जन्म हुए बुद्धदेव जब जन्म हुए तब इनको पिता माता ज्योतिष को दिखाया ये बेटा का भविष्य क्या है। ज्योतिष ने कहा जब ये बच्चा घर से बाहर निकलेगा ना जिस दिन घर से बाहर घर में नहीं रहेगा साधु हो जाएगा। अभी बोले एक बेटा जो राजा बनने वाले कहते घर से जिस दिन बाहर निकलेगा साधु हो जाएगा अभी उसको तो किसी तरह से घर से बाहर नहीं जाने नहीं दे रहे। लेकिन जब उसने जब बड़ा हुआ धीरे धीरे जब बड़ा हुआ देखा मेरे को तो घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे कहते अगर बाहर नहीं निकलेगा तो दुनिया को क्या मैं समझूंगा घर में बैठे बैठे कर क्या समझ सकता हूँ। एक दिन उन्होंने पूरा ये हो गए हैं पीछे बढ़ गए नहीं मैं बाहर जाना चाहता हूँ मेरे बाहर घूमने जाना चाहता हूँ मैं बाहर ले चलो। जब बहुत उन्होंने ये किया तब राजा ने उसको मंत्री को बोले देखो मंत्री ये बच्चे को तुम साथ में ले जाओ बाहर साथ में ले जाओ और घुमा फिरा करके वापस ले आना। बोले ठीक है। जब उन्होंने केवल पहला बार उन्होंने प्यार बाहर में रखा एक बच्चा ने जन्म लिया वह जन्म होते ही वाह 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 जोर जोर से रो रहा था। उन्होंने पूछा ये क्या है ये रो रहा है क्यों ये क्यों रो रहा है कहते एक बच्चा जन्म हुआ ना बोले जन्म से रोता है। बोले मैं जब जन्म हुआ तब से मैंने रोया था। बोले हाँ बोले रोता है क्यों एक बच्चा जन्म होते रोता है क्यों कारण है रोता है मतलब यही है मातृगर्भ में बड़ा कष्ट था। हाँ बड़ा कष्ट में एक व्यक्ति रो रहा है मतलब क्या है एक व्यक्ति क्यों रोता है वो रोना चाह रहे हैं क्या। बोले रोना हम नहीं चाह रहे रोना मतलब क्या हमें रोना नहीं चाहिए हम रोना नहीं चाहता हूँ तभी रोना रोता है ना इसका मतलब है रोना मतलब रोना नहीं इसलिए रो रहा है मैं और रोना नहीं चाहता हूँ। मतलब मातृगर्भ में टाटी पेशाब खून पी को अंदर में रह करके हैं एकदम अंदर पेट नहीं वो नरक था वो नरक से भी वो निकला इसलिए जोर से रोता है और मैं मातृगर्भ में जाना नहीं चाहता हूँ और नहीं जाना नहीं चाहता हूँ हैं। और दूसरा कारण है जीवन में पहला बार जन्म लेकर रोया मतलब जिंदगी भर रो। दूसरा कारण है जिंदगी भर तुमको रोना पड़ेगा। बोले ये रो रहा है क्यों बोले जन्म लिया ना इसीलिए रो रहा है। बोले सबको क्या रोना पड़ता है जन्म से बोले सबको रोना है अगर बच्चा नहीं रहेगा तो संसार रोता है क्योंकि जो बच्चा नहीं रोता है ना अरे गुंगा बनता है उसको थप्पड़ मार मार कर उसको रुलाते हैं अगर बच्चा नहीं रहेगा तो परिवार उसको परिवार को रोना पड़ता है। और थोड़ी दूर गया तो देखा एक व्यक्ति बड़ी कठिन बीमारी से कर रहा है कठिन बीमारी से बड़े चित्कार कर रहा है। उन्होंने कहा ये क्या है बोले एक व्यक्ति बीमारी में पड़ा हुआ है इसलिए रो रहा है। बोले सबको क्या बीमारी में पड़ना पड़ता है बोले भले ही साइंटिस्ट होने जितने बीमार रोग दवा क्यों नहीं निकालते जितने दवा निकाल नहीं दे भैया हैं जितने क्यों नया बीमारी अभी कोरोना जैसे आ गई अभी तो कोई बीमारी नहीं सारा दुनिया को हैं सारा दुनिया को एकदम तहलका मचा दिया हैं दुनिया इसी के लिए सब के सब दुखी दुखी हो रहे हैं घर के अंदर में बंद हुए घर से कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं डर के मारे। इसलिए कहते भैया सबको ये बीमारी भोगना पड़ता है। और थोड़ी दूर गए देखा एक व्यक्ति डंडा लेकर के बड़े कष्ट से एक कदम चला। बोले ये क्या है बोले ये बूढ़ा हो गया है बोले डंडा लेकर चल रहा है। बोले हाँ बोले और बड़े कष्ट भोग कर रहा था। बोले क्या हमें भी एक दिन ही बूढ़ा बनना पड़ेगा। बोले जितना चवन ब्रश खा लो जितना जीव कर लो ये बूढ़ापा को कोई रोक नहीं सकते हैं सबको बूढ़ा बनना पड़ेगा
और थोड़ी दूर गए, देखा एक व्यक्ति को चार व्यक्ति कंधे पर ले जा रहे, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, बोले सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले ये क्या है? बोले एक व्यक्ति मर गया, शरीर छोड़ दिया ना, उसको चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं। कहते मेरे को क्या, एक दिन ऐसे ही चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे हमें? बोले भैया जाते से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु, इसका जन्म लेने पर सबको मरना पड़ेगा। इसलिए और थोड़ी दूर गया ना, देखा है कि व्यक्ति को चिता में है, चिता में लेटा करके आग लगाया तो जल रहा है। बोले ये क्या है? बोले जिसको ला रहे थे ना, उसको यहाँ जला रहे हैं यहाँ पर, और वो डंडा मार मार खोपड़ी को फोड़ रहे हैं। बोले मेरे को क्या, इसी चिता में ला करके लेटा है? बोले भैया जो कुछ कर लो, सबका अंतिम गति यहीं पर, सबको एक दिन आना ही पड़ेगा, 100 साल में हो 50 साल में हो, है अभी वो जितना सुनता है ना उसका मन में उतना वैराग्य जात हो रहा है वैराग। और थोड़ी दूर गए तो उन्होंने देखा एक साधु बैठा हुआ, मस्ती से कोई चिंता नहीं, बस भगवान की चिंतन में डूबा हुआ और भगवान का कीर्तन कर रहा था। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि, हरि बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल हरि बोल हरि, हरि बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि। बोले ये कौन है, ये महात्मा जी कौन है? बोले ये साधु। बोले ये क्या कर रहा है? बोले तुमने जो देखा है ना, एक बच्चा ने जन्म लिया और जन्म से ही रो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद में देखा एक व्यक्ति बड़ा कर्रा रहा था, है बीमारी में कष्ट भोग कर रहा था, थोड़ी देर में देखा एक व्यक्ति बूढ़ा होकर के चल रहा था, और देखा और एक व्यक्ति को राम नाम सत्य करके ला रहे थे, और एक व्यक्ति को चिता में जला करके जला रहे थे ना, जो देख रहा था ये वो काम कर रहे हैं। एक दिन जैसे ये जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल के लिए मुक्त होकर के परम आनंद परम शांति है परम सुख भगवान का धाम को जाना चाहता है, जहां पर ये जन्म मृत्यु दुख कष्ट कुछ नहीं। बोले भैया ये सबसे बढ़िया रास्ता है, ये यही जीवन में सबसे बढ़िया रास्ता है और कुछ नहीं। ज्योतिष ने बताया था ना, जिस दिन इसको घर से बाहर निकालोगे वो व्यक्ति घर में नहीं रहेगा, वो साधु बन जाएगा। बस घर में जाकर के तो सोचने लग गया, भैया एक दिन बुढ़ापा आएगा, एक दिन दांत टूटेगा, एक दिन आग में दिखाई नहीं पड़ेगी, एक दिन ये दुख कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, इसलिए क्या करो सब छोड़ो और राम नाम सत्य। इसलिए उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ करके उन्होंने क्या किया, चले गए, सब चले गए, जा करके उन्होंने भजन करना शुरू किया। इसलिए गुरु जी एक अच्छी बात कहते थे, लास्ट में इनका जो पंथ है शून्यवाद उन्होंने निकाले है, क्योंकि उन्होंने गुरुदेव कहते उन्होंने कोई सदगुरु नहीं ग्रहण किया, सदगुरु को नहीं अपना के नाते शुद्ध किसी परंपरा को ग्रहण नहीं करने पर, अगर बगैर गुरु के अगर शुद्ध परंपरा में अगर तुम ध्यान में बैठ जाओ क्या मिलेगा तुमको, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा ना, मिलने वाला ही नहीं। उन्हें तो सदगुरु परंपरा, इसलिए शास्त्र क्या कहता है, संप्रदाय विहीन आज मंत्र स्ते है विफला मत अतः कल्लो भविष्य चतर संप्रदाय ना। इसलिए क्या करो, शुद्ध वैष्णव लाइन में आनी चाहिए तभी भगवत प्राप्ति होगा, नहीं तो प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बोले सब कुछ शून्य ही शून्य ही है, शून्य से आए लास्ट में शून्य में ही लीन हो जाएगी, क्यों मिला ही नहीं कुछ वैष्णव परंपरा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे, बोले भैया आचार्य जवान पुरुष वेद जब तक शुद्ध वैष्णव लाइन को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक सही जाने जा रहे देव जनाई, वो कृपा करके जिसको जानते हैं उनको वही जान सकते हैं, चिरकाल हैं शुद्ध भक्ति मार्ग छोड़कर चिरकाल
तपस्या करने पर भी जीवन में नहीं कुछ मिलने वाले। इसलिए रहुगणी न तपस्या न जाति न इज्जया न निर्वाप न गृहत वा नैव छंदासी नैव जलाग्नि बिना महत्पदो रजभिषेकम्। जब तक किसी महत पुरुष का चरण में आश्रय ग्रहण नहीं करते, वेद वेदांत उपनिषद घर बार छोड़ने पर जटाजुट रखने पर भी कुछ होने वाले नहीं। इसलिए महाप्रभु यही कह रहे हैं, भैया शुद्ध वैष्णव का चरण आश्रय ग्रहण करते हुए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगन्नाथ बोले देव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, सचिनंदन गौर हरि की, पिताई गौर ब्रह्मानंद हरि। जय जय राधा रमण हरि गोविंद, 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 जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद,
जय श्री श्री गुरु वरकंदर सुदा गुरुधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। नित्यलाल प्रविष्णु विष्णु पाद श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलाल प्रविष्णु भक्ति परिकान सुलभ सुभ गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलाल प्रविष्णु भक्ति वेदांत सुल नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलाल प्रविष्णु भक्ति वेदांत पावन गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलाल प्रविष्णु भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सफरी कर गौर हरि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। जय राम अनंत की जय। तदीय अभिभावती की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंद जय। तिरुहाप्ति आप प्रभु जी आपका काम